شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं आपका मेज़बान हैदर कानपुरी हुसैनी अज़ादार प्रोडक्शन कानपुर की जानिब से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँ बहारे रमज़ान 2020। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आली जनाब मौलाना अलमदार हुसैन साहब क़िबला इमाम जुमा जूही कानपुर। जनाब सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब आज हमारे बरनामे का 18वां दिन है। हम अपने बहारे रमज़ान के 18वें दिन के बरनामे में आपका इस्तकबाल करते हैं। जनाब आप हमारे नाज़रीन को 18वें दिन के दुआ का तर्जुमा और तफसीर बतलाएं। नाज़रीन आज हम 18वें दिन के प्रोग्राम में दुआ का तर्जुमा और उसकी तफसीर पेश करेंगे ताकि हमें पता चले कि हम परवरदिगार आलम से क्या कहना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा नब्बिहनी फीहे लिबरकाते असहारही व नव्विर फीहे कल्बी बिज़ियाए अनवारे। ए मेरे परवरदिगार अल्लाहुम्मा नब्बिहनी, तू मुझे मुतवज्जे कर, तू मुझे आगाह कर, फीहे इस रमज़ान में, ले बराकाते असहार ही, किन चीज़ों की तरफ, जो सहर खेजी के बराकात हैं, जो सुबह उठने के फवायद हैं, क्योंकि आम दिनों में नमाज शब की पाबंदी करना, सहर खेजी करना, सवेरे उठना, अल्लाह से राजो नियाज करना, ये मुश्किल हो जाता है, लेकिन माह रमज़ान में बहुत आसान है। तो हम दुआ यही करते हैं कि परवरदिगारा तू मुझे आगाह कर, तू मुझे मुतवज्जे कर, इस महीने में सहर खेजी के बरकात से, क्योंकि जितने भी बुजुर्गान और जितने भी अफराद उलमा और अफा बुलंद मकाम तक पहुँचे हैं वो यकीनन सहर खेजी की वजह से पहुँचे हैं। और आज के ज़माने में अगर एक तालिबे इल्म या तालिबा इल्म हासिल करने वाले या इल्म हासिल करने वाला अगर उसके अंदर सहर खेजी नहीं है तो वो आलिम नहीं बन सकता, आलिमा नहीं बन सकती, कोई इंसान तालिबे इल्म नहीं बन सकता, तालिबा नहीं बन सकती। क्यों? इसलिए कि कामयाबी की पहली शर्त यही है कि इंसान सहर खेजी करे, यानी सुबह सवेरे नमाज से पहले उठे, अपने परवरदिगार से बरकात तलब करे, बरकाते असहार, सहर खेजी के फवायद। क्यों? इसलिए कि जब हम सवेरे उठेंगे तो हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम सुकून में होते हैं, जहन अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, और फिर हम अगर कोई चीज़ मांगना चाहें तो यकीनन अल्लाह ये कह के हमें दे देगा कि इस वक्त मैं हूँ और मेरा बंदा है। ऐ मेरे बंदे, जो तुझे चाहिए मांग, इसके बरकात और फयूज़ हम तुम्हें यकीनन अदा करेंगे। तो रब्बे ज़िदनी इल्मा खाली कह लेने से काफ़ी नहीं है, बल्कि सहर खेजी की आदत डालिए ताकि बरकात से फ़ायदा पहुँचे। तो इस रमज़ान में ये बेहतरीन मौका है खुद साजी का, खुद साख्तगी का, बेहतरीन संवारने का, मानवियात के हासिल करने का। इसीलिए हम अल्लाह से कहते हैं व नव्विर फीहे कल्बी, और ऐ मेरे परवरदिगार तू इस माह रमज़ान में नूरानी कर दे, बाबरकत बना दे, मुनव्वर कर दे, पुरनूर कर दे कल्बी, मेरे कल्ब को, बिज़ियाए अनवार ही, जो तेरे पास अनवार हैं उसकी रोशनी से, उसकी चमक से, उसकी मार्फत से। क्योंकि हम जानते हैं
कि अहले बैत जैसे अनवार हो ही नहीं सकते। अब अगर इनकी हकीकी मार्फत किसी को हासिल हो जाए तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं है कि तय्युल अर्ज़ की ताकत उसके अंदर हो। यहाँ से खड़े होकर के सलाम कह दे तो जवाब सलाम पलट करके आ जाए, अपने इमाम को आवाज़ दे ले तो इमाम खुद मदद करने के लिए और नुसरत के लिए आ जाए, लब्बैक कह दे। तो इस तरीके से हम ज़िया चाहते हैं परवरदिगारा, जो तेरे अनवार हैं उनकी रोशनी से मेरे कल्ब को भर देना। व खुज़ बिकुल आज़ाई, और मैं ऐ मेरे परवरदिगार तू तमाम के तमाम मेरे आज़ा को पकड़ ले, मजबूत बना दे, फरमाबरदार बना दे। क्यों? इला इत्तेबाए आसारी ही, ताकि उन आज़ा और जवारे के ज़रिए सारी चीज़ों की इत्तेबा हो सके। अगर हम कहते हैं आँखें पाकीज़ा होनी चाहिए तो ना महरमों से बचती रहें, हम अगर कहते हैं कि दस्ते सखावत बाज होना चाहिए तो हाथ सखावत करके दिखाए कि सखी हैं, अगर हम कहते हैं कि गुनाह से बचना चाहिए तो हमारे कदम गुनाह की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, अगर हम कहते हैं कि हमारे कान गुनाह की समाज से महफूज रहें तो यकीनन गाने से, गिना से, गीबत से महफूज रहें। क्यों? इसलिए कि अगर तू इस महीने में मेरे तमाम जवारे को पाको पाकीज़ा बना देगा और इस चीज़ के ऊपर लगा देगा ताकि ये सारे के सारे इत्तेबा करें तेरे आसार के जो तूने हुक्म दिया है, जो तेरा असर पाया जाता है, यकीनन दीन की दौलत, यकीनन अहले बैत की दौलत, यकीनन मारफत की दौलत, यकीनन तेरे इरफान हासिल करने की दौलत, यही सब तेरे आसार हैं। और अगर इसी आसार पर अगर एक इंसान चल दे, अहले बैत का पैरोकार हो जाए, तेरा मुती हो जाए, तेरा फरमाबरदार हो जाए, बेनूर का ऐ परवरदिगार तू अपने नूरानी होने के ज़रिए, अपने नूर के ज़रिए हमें आज़ा और जवारे से इत्तेबा करने की तौफीक दे देना, क्योंकि तू नूर है, अहले बैत नूर हैं, तूने इनको अपने नूर से खल किया है। या मुनव्विरा कुलूबिल आरिफीन, ऐ वो कि जो अराफा के दिलों को मुनव्वर करने वाला है, तू मेरे भी कुलूब को मुनव्वर कर दे, क्योंकि तेरी ज़िया से ही हमें इरफान होता है, हम सुलूक इल्लाह करते हैं, हम तेरी मलाकूती बारगाह में सैर करते हैं, और जाने के बाद जो तेरे अजीम तरीन बंदे हैं जिन्हें अहले बैत कहा गया है, अगर हम इनकी बारगाह में बैठ जाते हैं तो हमें वो लुत्फ मिलता है कि जो तेरी मलाकूती बारगाह में मिलता है। तो यकीनन ऐ कुलूबों के मुनव्वर करने वाले, मेरे कल्ब को भी मुनव्वर कर दे, ताकि माह रमज़ान में ये सारी नेमतों से मैं इस्तेफादा कर सकूँ। जनाब, आप हमारे नाज़रीन को 18वें दिन के रोज़े का सवाब बतलाएं। नाज़रीन, आज हम 18वें रोज़े का सवाब आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे, ताकि हमें रोज़ा रखने में लुत्फ़ आए, और जब मारफत पैदा हो जाती है तो यकीनन खुलूस पैदा हो जाता है। आइए हम देखते हैं पैगंबर इरशाद क्या फरमाते हैं। जब 18वां दिन होगा तो खुदावंद आलम जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील और अर्श के हामिलीन, यानी वो अफराद कि जो अर्श के थामने वाले हैं, जो अर्श को चलाने वाले हैं, जो अर्श के ऊपर रहने वाले हैं, वकरूबीन और फरिश्तेगान इलाही को अम्र फरमाएगा कि आइंदा साल तक हज़रत मोहम्मद की उम्मत के लिए इस्तिग़फ़ार करें, और क़यामत के दिन जंग बद्र में शामिल अफराद का सवाब इनायत फरमाएगा। तो इतना सवाब अगर 18वें दिन के रोज़ा रखने वाले को मैसर होता है तो इंसान कम से कम रोज़ा रख करके ये सवाब को हासिल कर ले, ताकि अगर वो जंग बद्र में नहीं था तो कम से कम जंग बद्र का सवाब अल्लाह उसे ज़रूर अता फरमाएगा। जनाब, आज हमारे पास चंद सवालात आए हैं, आप उन सवालों का जवाब हमारे नाज़रीन को दीजिए। जनाब, हमारा पहला सवाल, क्या ख़वातीन जूड़ा बांधकर नमाज अदा कर सकती हैं या नहीं, इस पर क्या हुक्म है? आपने पहला सवाल किया कि ख़वातीन जूड़ा बांध करके नमाज अदा कर सकती हैं या नहीं,
हम आपकी खिदमत में अर्ज करते चलें, क्योंकि हमारे यहाँ ख्वातीन का जूड़ा बांधना और अहले सुन्नत के यहाँ नज़रियात थोड़े से फ़र्क करते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ यानी जूड़ा बांध करके नमाज़ पढ़ने में इश्काल है, उनके नज़रिए के मुताबिक यानी उन जोड़े में शैतान सिरायत कर जाता है, हुलूल कर सकता है, लिहाजा उनके यहाँ इश्काल है। हमारे यहाँ मज़हब तशय्यो में, मज़हब शिया में जूड़े के लिए इतना हुक्म है कि बाल का छिपाना वाजिब है, और जब बाल छिपे होते हैं तो अब यकीनन उस हालत में नमाज पढ़ने में कोई इश्काल नहीं है। अब चाहे वो बाल खुले हों या जूड़े की शक्ल में बंधे हों, नमाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जनाब, हमारा दूसरा सवाल, 70वें एपिसोड में एक सवाल था, प्यास की शिद्दत में अगर कोई इंसान कुल्ली कर ले और उस दरमियान उसके हल्क में पानी चला जाए तो उसके रोज़े का क्या हुक्म है। इसी से मिलता जुलता एक सवाल और आया है, अगर इसी दरमियान खाना पीना खा लिया जाए तो इस पर क्या हुक्म है। आप इस सवाल का जवाब हमारे नाज़रीन को दीजिए। आपने दूसरा सवाल जो किया है वो यही कि मतलब पिछले एपिसोड में ये कहा गया था कि अगर प्यास की शिद्दत की वजह से कोई इंसान कुल्ली करे और पानी हलक में चला जाए तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा और उसको कज़ा रखनी पड़ेगी। तो उसी में आपने जो ऐड किया सवाल वो यही था कि क्या जब रोज़े की कज़ा रखनी पड़ेगी और रोज़ा बातिल हो जाएगा तो क्या ऐसा शख्स खा और पी सकता है। तो अर्ज़ करते चलें कि ऐसे शख्स को इमसाक करना पड़ेगा, अगर ये इमसाक कर लेता है तो सिर्फ इसके ऊपर कज़ा वाजिब होगी, और अगर ये कुछ खा पी लेता है तो इसके ऊपर कज़ा के साथ कफ़ारा भी वाजिब हो जाएगा। जनाब, हमारा तीसरा सवाल, अगर हम किसी इंसान की मैयत में जाते हैं तो हमारे रोज़े का क्या हुक्म है। आप इस सवाल का जवाब हमारे नाज़रीन को दीजिए। अगर हम किसी की मैयत में शिरकत के लिए जाते हैं तो हमारे रोज़े का क्या हुक्म है। तो हम अर्ज़ करते चलें कि अगर शरायत सफ़र जो कसर के हैं पाए जाते हैं तो उसके मुताबिक आप अमल करेंगे, क्योंकि 22 किलोमीटर जाना और 22 किलोमीटर आना अगर आपका सफ़र हो जाता है, आपकी वो जगह कि जहां पर आप जा रहे हैं वहां के आप मुसाफिर हैं तो आपका रोज़ा कसर हो जाएगा। मगर यदि आप ज़ुहर बाद यहाँ से अपने वतन से आप जाएं तब बच जाएगा, या आप अपने वतन जोहर से पहले पहुँच जाएं तब बच जाएगा। इस तरीके से आप मैयत में शिरकत के लिए जा सकते हैं और जो शरायत की कंडीशन है कसर की उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे बहार रमज़ान के बरनामे को पसंद किया, शेयर किया, कमेंट किया। अगर आपके पास रमज़ान से मुतालिक किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर राबता कायम करें या हमारे व्हाट्सएप पे अपने सवालों को भेजें। इंशाअल्लाह हम आपकी खिदमत में कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए।